अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। आज एक नया लेक्चर है और हम आ गए हैं। पहले हम जो जो मेरे भाई हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से लेक्चर पे काम करेंगे और सीखेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उसका पता चलता जाएगा कि कौन कौन लाइव है, कितने लोग हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं कमेंट्स पढ़ के फिर हम लोग अपना जो है शुरू करेंगे आज का लेक्चर। ये मेरी प्रोफाइल है ताकि आप लोगों को पता हो कि आज के लेक्चर में कल आज का लेक्चर कल कर लेते, पहले थक गए वकार भाई के लाइव वीडियो से मिक्स हो गया है। लेक्चर जो है वो आज का रिकॉर्डेड होगा, तो अगर आपने अभी ब्रेक लेना है तो आप ले लें और आप कल देख लीजिएगा अगर आपको मिक्स लग रहा है ये। बाकी वालेकुम सलाम दानिश। लेक्चर कहाँ सेव होते हैं? लेक्चर जो होते हैं अनाउंसमेंट में सेव होते हैं। जब ये लाइव ख़त्म होता है तो वो रिकॉर्डेड वहीं पर होते हैं। वालेकुम सलाम उस्मान शफीक, मौज़म अली, वालेकुम सलाम। जैसे जैसे लोग लाइव मैसेज करते। भाई जान इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस ग्रुप में कौन भाई दे रहा है? भाई जान इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस ग्रुप में कौन भाई दे रहा है? मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, आप दोबारा पूछ लें फिर मैं पूछ लूँगा। ये कहाँ लाइव हो रहा है? ये लाइव हो रहा है, अल्लाह भला करे, आपका वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप में। अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब हैं तो आप ये व्यू कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है स्पॉट ट्रेडिंग। एक दफ़ा लोग जमा हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम अपनी जो आज का टॉपिक है वो ये है, हाउ टू डू बेसिक ट्रेडिंग फॉर आर न्यू बिगेनर्स। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको क्रिप्टो की स्पेलिंग आती है और जिन्होंने नया नया शुरू किया है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। कोई नई ताज़ी भाई जी? भाई जी नई ताज़ी ये है कि आप लोगों को सिखा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सिखा के। एंड मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को समझ आता है। सारिम भाई कल वाला लेक्चर एडवांस लेवल कब होगा? इंशाल्लाह कल जो है हमारे दूसरे मॉडरेटर सोहेल अंजुम जो हैं वो लाइव आएंगे, वो इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप मेक श्योर करिएगा कि वो आप लाइव देखें और वो आप समझ पाएँ। हेलो एंगिस भट्टी, अग्नेस भट्टी, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ बेसिक क्लियर करिएगा, थैंक यू सो मच। जी, सारिम भाई ये P2P USDT अगर बाय करना वो तो मैं स्कैम तो नहीं होता यार? P2P जो है काफ़ी सेफ ऑप्शन है आपके पास। तो P2P के ऊपर जब आप भी कुछ भी ले रहे हैं तो वहाँ पर आप डिस्प्यूट भी डाल सकते हैं अगर आपको पेमेंट ना हो। उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था, ये देख रहा था कि मैंने 3 दिन हो गए हैं ग्रुप ज्वाइन किए हुए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरीके के आप कमेंट ना करें क्योंकि देखें ये गलत है। 3 दिन में आप कुछ भी नहीं सीखते। क्रिप्टो आसान नहीं है, हम बार बार ये कहते हैं, लेकिन हमारा काम है आपके लिए आसान करना। तो हम आसान ऐसे करते हैं कि हम लाइव आते हैं, आपको चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं कौन सी चीज़ कैसे होती है। अब आपको कल कैंडल पढ़ना सिखाई और दूसरी चीज़ें मैंने सिखाई, जैसे उस दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिखाई, ठीक है? तो आराम आराम से होता है, थोड़ा सा टाइम लें, पेशेंस है इसका इसका ये इसका काम पेशेंट का काम है। आपने इसमें ना सब्र रखना है, सब्र रखोगे तो अच्छा होगा। और अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत लॉस्ट हो गया। भाई किसने कहा है फ्यूचर में जाओ? फ्यूचर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हम नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं कि भाई आप फ्यूचर में जाओ। फ्यूचर इज़ नॉट गुड फॉर यू, फ्यूचर नहीं है ठीक। आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, स्पॉट ट्रेडिंग अच्छा है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको
सेफ रहते हो, आपका लॉस नहीं होता, फ्यूचर में आप लिक्विडेट हो जाते हो, स्पॉट ट्रेडिंग में आप सेफ रहते हो। अगर आपकी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर जो भी क्रिप्टो के कॉइन्स लिए हुए वो नीचे भी चले गए तो आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं हुआ। USDT आप मॉडरेटर को सेल कर सकते हैं, वरना P2P पे सेल कर सकते हैं। हम जितने मॉडरेटर्स हैं उनमें से किसी को मैसेज करिएगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन देखें, हमारा मोटिव यहाँ पे USDT खरीदना या बेचना नहीं है, हमारा मोटिव है आप लोग को सिखाना। लेकिन अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि आपको USDT की रिक्वायरमेंट है और आपको P2P से नहीं मिल रहा है या कहीं से नहीं मिल रहा और आप स्कैम हो रहे हैं अलग अलग जगह, तो हम आपकी हेल्प करें और हमारे मॉडरेटर्स और हमारी टीम आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए USDT अरेंज करके आपको दिलवाती है। माशाल्लाह से लाइव लोग आते जा रहे हैं। तो ये है कि थोड़े से लोग और लाइव आ जाएं, उसके बाद आप अपना लेसन आज का शुरू करेंगे। आज का लेसन है स्पॉट ट्रेडिंग पे। तो जो जो लोग हैं जिनको जिन्होंने अभी तक शायद ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की और वो सीख रहे, तो उन लोगों के लिए ये है कि ये वाला लेसन है, आपको बेसिक समझाया जाएगा किस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग की जाती है। प्राइवेट मैसेज मना कराया वकार भाई ने, बिल्कुल मना किया, प्लीज़ प्राइवेट मैसेजेस नहीं करिएगा। हम लोग जो हैं कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा प्राइवेट मैसेजेस, और जो भी करेंगे उनके स्क्रीनशॉट जाएंगे और फिर उसके बाद वो लोग ग्रुप से बैंड हो जाएंगे। सारे भाई रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आ सकूँ और आपको सिखा सकूँ। कैन वी बाई एनी कर फ्रॉम ब्रदर और फ्रेंड? हम ये रिकमेंड नहीं करते। फ्रॉम योर ब्रदर एंड फ्रेंड, यस, अगर वो लोग आपके लिए ख़रीद सकते हैं एंड उन लोगों के पास ये चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं, जैसे बाइनेंस के ऊपर वो ले सकते हैं अपने कार्ड से, तो बिल्कुल उनको यूटिलाइज़ करें आप। तो लोग हो गए हैं काफ़ी सारे, तो बस आप लोग रेडी रखते हैं इसके ऊपर और फिर हम इंशाल्लाह आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आप सबको मैं दोबारा कहूँगा, फ्यूचर ट्रेडिंग से आपने दूर रहना है, इसमें सब्र रखना है, सब्र बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तीसरी चीज़ ये कि कोई भी अगर आपको मैसेजेस कर रहा है USDT बेचने के लिए, आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है ना जी? तो इस पे रेडी लिखते हैं और इंशाल्लाह फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का लेसन जो है हमारा। जी ऑर्डर सेल और फुल बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं हाउ टू डू स्पॉट ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपने जाना है binance.com के ऊपर, ठीक है जी? फिर आपके वॉलेट जो है, वॉलेट के ऊपर आपने आप चले गए अपने फेट एंड स्पॉट के ऊपर, और यहाँ पे जैसे मैंने 100 USDT रखे हुए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। जो भी अपना नया अकाउंट शुरू कर रहा है वो 100 से कर सकता है, ठीक है जी? तो मैंने USDT रखे हुए हैं क्योंकि मैं इस पेयर में ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है ना जी? तो ये मेरे पास हैं, ये आप जब USDT परचेस करें तो आपके स्पॉट वॉलेट में ही आएंगे। P2P से करेंगे तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरह, जैसे अल्लाह भला करे आपका, आपने यहाँ चूज़ किया P2P और यहाँ आपने किया फेट एंड स्पॉट, और आपने USDT अगर P2P से लिए हैं तो आप USDT यहाँ करेंगे और अपनी अमाउंट डालकर कंफर्म कर देंगे, ठीक है जी? तो वो आपके स्पॉट में आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल ऑलरेडी मेरे पास 100 सेव हैं तो मैंने यहाँ रख दिया, तो हमारे पास USDT ये हैं। दूसरी चीज़ ये, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने कॉइन कन्वर्ट करना है और दूसरे पेयर में ट्रेड करना है USDT से, तो आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट। USDT जो है अभी हमारे पास 100 हैं, तो हम 100 USDT हैं हमारे पास, हम उनको इन कॉइन्स में कन्वर्ट, BNB में, BUSD में कर सकते हैं और वगैरह वगैरह जो भी आप करना चाहें, जिसके अंदर भी ये सारी लिस्ट है, ठीक है? तो इस तरह आप कन्वर्ट करते हैं। आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको, जैसे मैं BTC में कन्वर्ट करता हूँ, तो 100 USDT जब ये करेंगे तो इतने मिलेंगे, ठीक है? और आप कन्फर्म करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह आप कन्वर्ट करते हैं।
अब हम चलते हैं हाउ टू डू ट्रेडिंग के ऊपर। आई होप मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ, आप लोग को सबको समझ आ रहा होगा। हम गए binance.com के होम पेज के ऊपर। यहाँ पर हमने देखा जो भी कॉइन्स हैं, BNB, BTC, Ethereum, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने कोई सी भी, लेट सपोज आप इथेरियम को स्पॉट ट्रेड में लेना चाहते हैं, आपने क्लिक किया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे इथेरियम स्लैश BUSD है, तो मैं यहाँ जाऊँगा इधर और मैं टाइप करूँगा ETH स्लैश, ये USDT आ गया है। तो क्योंकि मैं USDT में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैंने USDT पिक किया। अब ये USDT का मेरे पास 4 आवर चार्ट है, मैं 4 आवर चार्ट से ट्रेडिंग करता हूँ। 1 मिनट की ट्रेडिंग को मैंने उस दिन भी समझाया था, तो प्लीज़ मत करिएगा ये। हम आएंगे नीचे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास ये दिखना ज़रूरी है कि आपके पास बैलेंस है। तो आपके पास जब बैलेंस है यहाँ पे, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 100 USDT वर्थ की मैं इथेरियम बाय कर सकता हूँ। लिमिट ऑर्डर है तो अभी चल रहा है 2486 का, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरा ऑर्डर है 2485.00 पे। मैं लेना चाहता हूँ 0.40 इथेरियम, तो मैं नहीं ले सकता, जो मेरी 0.004 का ले लेता हूँ, ठीक है, जो 9 USDT का बनता है। और आपने अपना ये क्लिक किया तो आपका ऑर्डर, ये मिनिमम जो है ये, सॉरी, जो आपके पास जितनी अमाउंट होगी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो 0.4 करेंगे आप 9 USDT है, या आप इधर भी टाइप कर सकते हैं कि आपको, लेट सपोज मेरे पास 100 USDT है, तो मैं 30 USDT का लेना चाहता हूँ, तो इसकी ये अमाउंट बनेगी। और आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है कि मैं 30 USDT के इथेरियम ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ आ गया है। तो जब ये अमाउंट पर आएगा 2485, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप की बाइंग हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जब ये हो जाएगी तो फिर आप जाके यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में देख सकते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब कि आपका ऑर्डर लग चुका है, सही है। और अगर आपको ये नहीं करना, ये एक ऑप्शन है लिमिट पे जो आप सेट कर रहे हो, एक अमाउंट है जिस पे आपको पता है कि इतने पे मुझे ख़रीदना है ये कॉइन, ठीक है ना जी। तो ये एक ऑर्डर हो गया। अब देखें 2485 हिट हुआ आपके सामने, ट्रेड हिस्ट्री में गया तो ये चीज़ मैंने ख़रीद चुका था 2485 के ऊपर और ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास $30 के 29.99 के USDT हम बाय कर लिए, लिमिट के अंदर हमने कर लिए, ठीक है। अब एक और मैं आपको सिखाता हूँ, ये लिमिट का था बाइंग में, ठीक है जी। तो आपने लिमिट में सेल करना है, तो हमने 2485 के ऊपर बाय किया था और हम करेंगे 2486 के ऊपर, ठीक है। और हम 29.50 USDT करेंगे सेल, ठीक है जी। 24.86.53 ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं 20.20 कर देता हूँ और अपना ये ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अब ये मेरा सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है स्पॉट के ऊपर, ठीक है ना जी। तो जब ये हिट होगा यहाँ पर, जब ये हिट होगा इधर, तो ये खुद ब खुद सेल हो जाएगा। तो इस तरह आप स्पॉट पे लिमिट पे ट्रेड करते हो कि आपने एक चीज़ ली, जब हम कोई भी आपने सिग्नल लिया ग्रुप से या कुछ लिया कि इतने पे बाइंग करनी है, इतने पे एंट्री करनी है, तो आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और ये ट्रेड जा चुकी है, ठीक है ना जी। तो ये मैंने लिया था 2485 के ऊपर, 2487.20 के ऊपर मैंने सेल कर दिया, और ये बाइंग थी यहाँ पर और ये यहाँ पर मेरी सेलिंग थी, ठीक है। तो ये आपका लिमिट ऑर्डर हो चुका है। तो जब भी हम आपको ट्रेड दे रहे हैं, हम कुछ भी दे रहे हैं कि आपने एक ट्रेड लेनी है,
तो आप ये कर सकते हैं कि अपने लिमिट पे जाके हम बताएंगे कि यहाँ एंट्री लेनी है, तो आप एंट्री पे आके यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर जो भी आपकी अमाउंट है उस हिसाब से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मार्केट में ये था लिमिट ऑर्डर, और मैंने आपको सेल भी बता दिया लिमिट ऑर्डर पे सेल कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट। अब मार्केट जो है, जो अभी करंट मार्केट चल रही है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली परचेज कर लेगा। तो लेट सपोज मुझे $10 का परचेज करना है अभी USDT, तो जो भी चल रहा है मैंने क्लिक किया, ये परचेज हो गया ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब आपने सेल करना है $10 का, तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं, जब मैंने ऑर्डर लिया 2485.02 का था, ठीक है, और ये मार्केट रेट के ऊपर ले लिया गया, अभी चल रहा है 2486.71, तो मैंने $10 का सेल करना है। अब ये नीचे जिस तरीके से नीचे ऊपर होता रहता है, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उसके ऊपर ये बिक जाएगा। ये लिमिट की तरह नहीं है कि आपने जो अमाउंट सेट की उस पर जाके हिट करेगा, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसके ऊपर ये सेल हो जाएगा। तो अब जैसे मुझे $10 का बेचना है, जो मैंने 2485 का लिया था, और अभी जो भी रेट चल रहा है उसके ऊपर मैंने ये क्लिक किया $10 का, हमने जो लिया था वो लिया था $9 का, सॉरी। सो हमने जब ये $9 का लिया था तो हम इतने का ही बेच सकते हैं, तो विल सेल इट फॉर $9। तो हमने $9 का मार्केट रेट के ऊपर सेल करना है। जब हमने ये किया तो क्योंकि ये मार्केट रेट से नीचे चला गया, तो हम $8 का USDT, ओ सॉरी 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 सॉरी, तो हमने इतना ये इथेरियम लिया था, ठीक है। तो हमने जब मार्केट में जाते हैं तो हम वो डॉलर नहीं डालेंगे, हम अमाउंट डालेंगे जो भी आपने लिया। जैसे ये हमारी अमाउंट है इथेरियम की, तो आपने ये लेना है और यही यहाँ डालना है सेल करते हुए, जो भी आपकी अमाउंट है जितना भी आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जब आप ये सेल दबाएंगे, मस्ट बी ग्रेटर देन, ये टोटल आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी अमाउंट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने $10 का लिया था, तो मैं इसको अब लेट सपोज 8 का बेचना चाहता हूँ, $8 के बेचना चाहता हूँ इस रेट के ऊपर, तो ये मेरे ये 10.4 का मैंने बेच दिया। तो बस जिस भी माइंडफुल के जितने का आपने लिया है, क्योंकि आपने मैंने जब 10 का लिया था तो वो हो गए थे 10.4 का, जब ये मार्केट प्राइस ऊपर चला गया था, तो उतने पे मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है जी। तो ये प्राइसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। 285 पे मैंने लिमिट ऑर्डर बाय किया था, 287 के ऊपर, 2.20 के ऊपर मैंने सेल किया, फिर मैंने मार्केट ऑर्डर बाय किया 2485 के ऊपर, ठीक है, 2485.30 के ऊपर मैंने सेल कर दिया। तो इस तरह आप जो है लिमिट और मार्केट के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप जाके अपने जो भी आप जिस पेयर में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप कर सकते हैं। अब हम एक और ट्राई करते हैं, लेट सपोज BZRX, ठीक है। असद भाई ने इसका सिग्नल दिया था, तो मेरे पास USDT है, तो मैं USDT में ही ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो आप जाएंगे BZRX/USDT के ऊपर, अभी BZRX का करंट प्राइस चल रहा है 77.7736 सेंट्स जो चल रहा है, ठीक है। तो हमने लिमिट ऑर्डर सेट करना है अपना, ठीक है। तो हमने लेना है 0.7730 का 70 के ऊपर, ठीक है। हमारी बाइंग हमने नीचे से बाइंग करनी है एक्चुअली, ठीक है। तो हमने लेना है 0.7720 के ऊपर, ठीक है। हम 0.7720 के ऊपर लेंगे, और हमारे पास जो अमाउंट है वो हम USDT के लेना चाहते हैं 30 USDT के, ठीक है, जो कि बनते हैं 38.86 BZRX, ठीक है। तो आपने जब ये लेना है स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर, आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपका यहाँ ऑर्डर ट्रेड हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बाय हो गया क्योंकि वो नीचे आया था, तो जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो हिट हो गया। तो ये देखें, ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मुझे सेल करना है, तो मैंने अपनी अमाउंट 30 USDT की, तो ये 39.83 हो रहे हैं क्योंकि मेरी जो बाइंग थी, जो बाइंग प्राइस था 77.20 है, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मैं करता हूँ 0.77 फाइव
4-0 के ऊपर, ठीक है, 20.20 अबव कर देता हूँ मैं, और $30 के मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो हम बेचेंगे क्योंकि हमने 38.86 लिए हैं, 38.20 हम बेच देंगे। तो हमने ये ऑर्डर्स जो जब किया तो ये ऑलरेडी मार्केट अप हो गई थी और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह आप जो है स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं लिमिट के ऊपर। तो ये एक और कॉइन था जिसके ऊपर मैंने आपको दिखाया कि बाइंग किस तरह करते हैं और सेलिंग किस तरह करते हैं, ठीक है ना जी। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट रेट के ऊपर बाइंग किस तरह करेंगे। अब आपने जो भी मार्केट रेट चल रहा है BZRX का, ठीक है, आपने $10 का लेना है, ठीक है, $10 का लेना है आपने, जो भी मार्केट रेट चल रहा है, आपने किया बाय BZRX, ठीक है, ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मेरे 12.88 जो हैं वो आ गए हैं क्योंकि वो करंट मार्केट रेट के ऊपर, वो खुद ब खुद जो भी मार्केट रेट चल रहा था है उसके ऊपर ये परचेस हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये सेल करना है मार्केट रेट के ऊपर क्योंकि मैंने $10 का लिया था, तो मैं $10 के ही सेल करना चाहता हूँ, तो जो भी मार्केट रेट होगा वो उसके ऊपर सेल हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब 77.7760 के ऊपर बाइंग की थी और 0.7780 के ऊपर मार्केट रेट के ऊपर सेल कर दिया। तो इस तरह आप स्पॉट पे लिमिट और मार्केट के ऊपर परचेस और बाइंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो तीन ऑर्डर्स दिखा दिए किस तरह करते हैं, मैं जूम करके थोड़ा सा और दिखा देता हूँ ताकि इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखें जी, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब ये मार्केट था, ये मार्केट ऑर्डर था, ये लिमिट ऑर्डर्स थे हमारे, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर मैंने सेट किया था 0.7720 के ऊपर और तो वो एग्जीक्यूट हो गया, हमारे 38.86 BZRX परचेस हो गए थे, अमाउंट थी हमारी 29.99 की, ठीक है। फिर हम जब सेल करने पे गए तो मैंने 20.7740 के ऊपर सेल किया और हमारे 38.20 एग्जीक्यूट हो गए जो कि सेल हो गए, ठीक है। ये बाइनेंस की फ़ीस होती है, ये आपको नज़र आती रहेगी कि जो फी अक्यूमुलेट होती है जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। और फिर आपके 29.56 USDT के सेल हो चुके हैं जो आपने ख़रीदा था, क्योंकि आपकी ये भी माइनस होती है। तो लोग कहते हैं अक्सर अवकात कि मैंने ऑर्डर महंगा बेचा लेकिन मेरी अमाउंट कम आई है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करिएगा, ये फ़ीस भी देखा करें क्योंकि ये फ़ीस भी कटती है, ठीक है। तो जब फीस कटती है तो फिर आपके पास टोटल अमाउंट आती है। तो इस तरह आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं लिमिट में और मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको मैंने चार्ट्स पढ़ना सिखा दिए थे किस तरह पढ़ते हैं। अब जैसे इसको देखें तो ये 52 तक गया था जब मार्केट में डंप आया था, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये दोबारा आया था 53 तक जब एक और 47 रेंज टच हुई थी, फिर उसके बाद से कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉइन अभी इट्स गोइंग अप, ये 83 तक गया था और अभी जो है ये इट्स सिटिंग एट 77.64। तो आज के लेसन में हमने सीखा ये कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया है कि लिमिट में किस तरह करते हैं, जब आप लिमिट में कुछ भी आपने ख़रीदना है तो आप ये यहाँ पर 00720 जैसे मैंने टाइप किया हुआ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 0 point आपने बाइंग करनी है, नीचे से करनी है, अभी 77 का चल रहा है, आप बिलीव करते हो नीचे आता है क्योंकि लेट सपोज हमने आपको एक सिग्नल दिया हुआ है कि BZRX आपने 52 से लेना है, तो आप 0.5260 के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करोगे। आप USDT जो भी आपके पास करेंसी है उस हिसाब से करोगे, और आपने लेट सपोज 50 USDT का ख़रीदना है तो आपने अपना ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। ये आपका ओपन ऑर्डर है, यहाँ आपको ये नज़र आएगा कि आपने ये प्लेस किया हुआ है। जब आप ये 50 USDT के ख़रीदेंगे तो आपकी इतनी अमाउंट आएगी, ठीक है। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ये यहाँ नज़र नहीं आएगा आपको, यहाँ नज़र आएगा आपको, ठीक है। और आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं आपकी ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, आपने क्या क्या ऑर्डर्स लगाए थे, ताकि आपने अगर कोई ऑर्डर लगा के आप भूल गए तो आप ऑलवेज जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके से कौन कौन से ऑर्डर्स लग चुके हैं आपके। तो मैं और अगर आपने लेट सपोज दोबारा मैंने आपको बताया ये आपका ऑर्डर है और आपने कैंसिल करना है, तो यहाँ पर ये कैंसिल का बटन है, आप यहाँ कैंसिल दबाएँ एंड दैट्स इट, ये कैंसिल हो गया, तो इट्स नो लॉन्गर वैलिड। तो ये
ये हिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। तो आज के लेसन में हमने सीखा स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है लिमिट प्राइस पे। लिमिट प्राइस का मतलब जो होता है कि जो आप प्राइस सेट करें जिसके ऊपर आप खरीदना चाहते हैं, और मार्केट प्राइस वो है जिसके ऊपर अभी करंटली मार्केट चल रही हो और आपने फ़ौरन परचेज करना है। जिस तरीके से लेट सपोज मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और आपने जंप इन करना है किसी भी ट्रेड में, तो आप मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं अगर आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। और आपने अगर बेचना है जैसे मार्केट आ रही है, मैं आपको यही बताऊंगा, बार बार हम यही बताते हैं, स्पॉट के ऊपर कोई लॉस नहीं है, लिक्विडेशन नहीं है वहाँ पे, वो सेफ ट्रेडिंग है। तो अगर आपने कोई कॉइन लिया है, लेट सपोज आपने ये कॉइन ख़रीदा यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर भी चला गया ना, आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे। ऑब्वियसली वॉलेट के अंदर कम दिखाई दिए जाएंगे क्योंकि आपने एक चीज़ ख़रीदी थी जो कि 77-76 सेंट की थी, वो 40 सेंट की हो गई है, तो आपके स्पॉट वॉलेट में पैसे आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट वापस आएगी तो आपकी रिकवर हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे आपके पैसे। तो ये चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग सबसे सेफ ऑप्शन है। आज के लेसन में यही था, बाकी ये है कि मैं वापस जाता हूँ, हम यहाँ वापस आ गए। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों को आज मुझे सिखा के स्पॉट ट्रेडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से क्या चीज़ होती है। कोई भी आपके सवालात हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा किस तरीके से, कौन सा आपने सवाल पूछना है, कौन सी चीज़ आपने सीखनी है, और जो भी आपके सवाल आते हैं इसमें आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छी कल दिन गुजरेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।